नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। विंध्याचल माँ अष्ट पूजा काली खो माता की पुण्य भूमि मिर्जापुर और कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध भदोही के जन जन को मेरा प्रणाम। छह चरणों में उत्तर प्रदेश ने भाजपा और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। अब मिर्जापुर भदोही और इस पूरे क्षेत्र की बारी है। गोर परिवारवादियों को माफियावादियों को आपको फिर हराना है और जोरदार तरीके से हराना है। हराओगे ना भाई और बहनों, इस समय हम और पूरा विश्व इस शताब्दी के बहुत नाजुक दौर में है। महामारी, अशांति, अनिश्चितता, इससे आज दुनिया के अनेक देश प्रभावित हो रहे हैं और इस कालखंड में आप ये भी देख रहे हैं कि संकट चाहे कितना ही गहरा हो, भारत के प्रयास उससे भी ज्यादा बड़े रहे हैं, उससे भी ज्यादा दृढ़ रहे हैं। कोरोना काल में हमारे लाखों भारतीय पूरी दुनिया में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन वंदे भारत चलाकर अपने एक एक नागरिक को वापस आने में मदद की। अफगानिस्तान में हजारों भारतीय संकट में फंसे तो हमने ऑपरेशन दैवी शक्ति चलाकर अनेकों भारतीयों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अभी यूक्रेन की स्थिति सारी दुनिया देख रही है। युद्ध में फंसे अपने एक एक नागरिक को, हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। जो अब भी वहां है उन्हें लाने के लिए लगातार भारत के हवाई जहाज वहां से उड़ान भर रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। भाई और बहनों, भारतीय मानक समय रेखा, ये समय रेखा
मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मां विंध्यवासिनी के चरणों को छूकर मिर्जापुर का समय पूरे देश का समय तय करता है। इसलिए मिर्जापुर का विकास, यूपी का विकास देश के विकास को गति देता है। भारत का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए मिर्जापुर के लोगों का, भदोही के लोगों का एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा हुआ हो। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो ईमानदार हो। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो विकास के लिए दिन रात मेहनत करना जानता हो। और ये जो गौर परिवारवादी है, इनका इतिहास एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। आप उस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। इनका इतिहास हजारों करोड़ के घोटालों का है, यूपी को लूटने का है। इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने का है, दंगाइयों को मदद करने का है। इनका इतिहास माफियाओं को संरक्षण देने का है, अपराधियों को पालने पोसने का है। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और ना ही उत्तर प्रदेश का। इन गौर परिवारवादियों को सिर्फ एक ही काम आता है, समाज को तोड़ो, लोगों को बांटो और सत्ता में आकर यूपी को लूटो। क्या ये खेल आपको मंजूर है? ये खेल आपको मंजूर है? क्या ऐसा खेल फिर यूपी में खेलने देना है? भाइयों बहनों, इन परिवारवादियों में मेहनत करना तो इनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। गरीब के लिए मदद पहुंचाना, गरीब की चिंता करना, इसके लिए इनको फुर्सत ही नहीं है। ये लोग यूपी को, देश को ताकतवर नहीं बना सकते। इसलिए आपके लिए ये समय देश के साथ एकजुट होकर, साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का समय है। इस बार आपका वोट समर्थ भारत के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश, इस सपने को साकार करने के लिए है। साथियों, इस सदी में
भारत की ताकत कैसे बढ़ रही है ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। दुनिया के बड़े बड़े देश संकट के इस समय में पस्त पड़ गए, लेकिन भारत पिछले 2 साल से अपने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दे रहा है। गरीब का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर गरीबों का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चे का पेट भरता रहे, 2 साल लगातार इस संकट की घड़ी में काम करता रहा है। भाइयों बहनों, जब गरीब मां ये कह रही है कि हमने तो मोदी का नमक खाया है, भाइयों बहनों, जब एक मां ये शब्द बोलती है, मेरे लिए वो शब्द नहीं होते हैं, मेरे लिए वो आशीर्वाद होते हैं। मैं मेरी उन गरीब माताओं को कहना चाहता हूं, मां आपने मोदी का या योगी का नमक नहीं खाया है, आपने जो वोट दिया था ना, वो वोट के कारण ये नमक आपके तक पहुंचा है। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। अरे मां, मैं आपने जो मुझे नमक खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह मां मैं नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना काल में अपने नागरिकों को सीधे पैसा नहीं भेज पाए, लेकिन भारत ने इस कोरोना काल में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 30,000 करोड़ रुपए भेजे। इसी कोरोना काल में हमने देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,25,00,000 करोड़ रुपए भेजे। सिर्फ कोरोना काल में मिर्जापुर के किसानों को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा और भदोही के किसानों को करीब 250 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे हैं। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में भाजपा सरकार ने गरीब के जीवन को
सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के नागरिकों को आज वैक्सीन लगाने के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन भारत वो देश है जो अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगा रहा है। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा के नहीं लगा, टीका लगा के नहीं लगा, आपको एक रुपया भी खर्च करना पड़ा क्या? आपके जेब से एक पैसा भी गया क्या? दुनिया के देशों में ऐसा नहीं हो रहा है, ये भारत कर रहा है। भाइयों साथियों, भारत इतना सब कुछ आज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपने वोट देकर केंद्र में गरीब को, गरीब के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार बनाई है। और मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार जो पैसा यहां भेजती है वो योगी जी की सरकार पूरी तरह गरीबों पर ही खर्च करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, पहले ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए, वो खुलेआम स्वीकार करते थे कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं, गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। भाइयों बहनों, ये मोदी और योगी है, रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे आखिरी जगह तक पहुंचते हैं। भाइयों, यूपी के विकास के लिए ऐसे ही डबल इंजन की सरकार यहां लगातार चाहिए। साथियों, गौर परिवारवादियों के कुशासन का सबसे बड़ा नुकसान गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासी परिवारों ने उठाया, हमारी माता बहनों ने उठाया है। इसलिए मैं आज मां विंध्यवासिनी की इस भूमि पर माताओं, बहनों, बेटियों से भी विशेष आग्रह करूंगा, जिन गौर परिवारवादियों ने अपने कार्यकाल में, उनकी सरकार थी तब, बहन बेटियों को इतना सताया, मेरी बहन बेटियां अब उनको सजा देने का मौका है। आप इस चुनाव में ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए, फिर कभी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की जिंदगी पर कोई संकट ना आए। भाई और बहनों, इस धरती ने सोनेलाल पटेल जी जैसे जनप्रतिनिधि देश को दिए। सोनेलाल जी को मैं बहुत निकट से जानता हूं। सरदार पटेल के सपनों को जीवन का संकल्प बना करके चलने वाले सोनेलाल जी, गरीबों को सशक्त करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन एक गौर परिवारवादियों ने गरीबों को, माताओं बहनों को वो लाभ लेने ही नहीं दिया, उन तक पहुंचने दिया। जिसका पैसा केंद्र सरकार दे रही थी वो भी खुद के लिए। भाइयों बहनों, मोदी ने गरीब बहनों को लखपति बनाने के लिए आवास योजना बनाई, हर गरीब को पक्का घर मिले। ये मेरा सिर्फ वादा नहीं, ये मोदी का संकल्प है। आज करोड़ों घर बन चुके हैं,
जिनके बाकी है वो भी बनना तय है। मैं मेरे गरीब माँ बाप को गरीबी में जीने रहना नहीं चाहता हूं। अब आप देखिए 2017 से पहले इन्होंने क्या काम किया था, ये आंकड़ा मैं कह रहा हूं, याद रखोगे आप, मैं जो आंकड़ा बताऊंगा ना, ये सुनकर के आप जिंदगी में कभी ऐसे लोगों के वोट नहीं देंगे, पक्का मैं मानता हूं। मैं बताऊं उन्होंने क्या किया था, बताऊं आप सब लोग कहो तो मैं बताऊं, बताऊं सुनिए, हमारे इस मिर्जापुर शहर में गरीबों के लिए जब उनकी सरकार थी तो गरीबों के लिए 800 घर बनाए। 5 साल उनकी सरकार रही, 5 साल में ये परिवारवादियों ने गरीबों के लिए 800 घर बनाए। आप मुझे बताइए क्या मिर्जापुर में सिर्फ 800 लोग ही गरीब है क्या? आप बताइए सिर्फ 800 लोग गरीब है क्या? तो औरों के लिए घर क्यों नहीं बनाए भाई? लेकिन जब योगी जी की सरकार आई, दिल्ली सरकार घर बनाना चाहती थी, पुरानी सरकार गरीबों की परवाह नहीं करती थी, योगी जी ने बीड़ा उठाया, मोदी जी आपका संकल्प पूरा करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और उसका परिणाम क्या आया, क्या परिणाम आया, मैं जरा पहले आंकड़ा बोला था, बताइए उनकी सरकार ने कितने घर बनाए थे, जरा जोर से बोलिए कितने बनाए थे, कितने बनाए थे? अब मैं आंकड़ा बताता हूं, वो भी याद रखिए, योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने 40,000 से अधिक आवास, 40,000 से अधिक आवास हमारे इस मिर्जापुर शहर के गरीबों के लिए स्वीकृत किए। इतना ही नहीं, उनके 800 5 साल में योगी जी ने 28,000 आवास बनाकर तैयार भी हो चुके हैं, यानी मिर्जापुर की 28,000 बहने लखपति हो चुकी है। भाइयों बहनों, अब आप कहिए क्या 800 घर बनाने वाले को वोट देंगे कि 28,000 वाले को देंगे? क्या 800 वाला गरीबों का भला करता है कि 28,000 वाला करता है? साथियों, और जब गरीबों के घर बनते हैं तो गरीब को तो एक अच्छी की जिंदगी जीने की शुरुआत होती है, लेकिन जब गरीबों का घर बनता है ना, तो मिर्जापुर में मध्यम वर्ग के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको भी आय का साधन मजबूत हो जाता है, क्योंकि घर बनाने के लिए ईंट खरीदते हैं वो तो छोटे व्यापारी से खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं वो भी तो यहाँ के व्यापारी से खरीदते हैं, लोहा खरीदते हैं वो भी तो यहाँ के व्यापारी से खरीदते हैं, लकड़ी की जरूरत पड़ती है वो भी यहाँ के व्यापारी से खरीदते हैं, बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है वो भी काम यहाँ के लोगों को मिलता है। यानी सिर्फ 28,000 परिवार लखपति बनते ऐसा नहीं, यहाँ की रोजी रोटी चलती है, यहाँ का व्यापार चलता है, यहाँ के लोगों को धंधा रोजगार चलता है, ये काम हमारी योजना करती है भाई। और इसे मध्यम वर्ग के अनेकों लोगों को भी इस योजना का बड़ा लाभ मिलता है। साथियों, भदोही हो, मिर्जापुर हो, ये पूरा क्षेत्र अद्भुत कलाकारों, कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के लिए हमेशा ये जाना पहचाना गया है।
लेकिन इतने वर्षों तक गौर परिवारवादियों ने इनके विकास के बारे में कभी सोचा नहीं। ये हमारी ही सरकार है जो इनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुद्रा योजना से सस्ता आसान ऋण और आधुनिक मशीनें मिलने से यहां के हजारों परिवारों को बहुत मदद मिली। योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार पर्याप्त बिजली सुनिश्चित की, उससे भी कालीन उद्योग, वस्त्र उद्योग को बहुत मदद मिली है। आज बुनकरों, हस्तशिल्पियों के परिवारों को जीवन बीमा, बच्चों को पढ़ाई में मदद और उनके कौशल विकास के लिए भी अनेक योजनाएं चल रही हैं। साथियों, मिर्जापुर और भदोही को काशी से जोड़ने वाली सड़कों को आज चौड़ा किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ माता के भक्तों को होगा, यहां के व्यापार कारोबार को होगा, भदोही के कालीन उद्योग को होगा, विंध्य कॉरिडोर के निर्माण से यहां पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत बल मिलेगा। और इसलिए आपको यहां विकास के लिए, कानून के राज के लिए भारी मतदान करना भी है और घर घर जाकर मतदान करवाना भी है। आपको कमल के फूल, कप और प्लेट, भोजन भरी थाली, इस पर बटन दबाना है। भाजपा हो, अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, हर उम्मीदवार जीतना चाहिए, इस संकल्प के साथ। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी रैली तो आपने कर दी, अब तो गर्मी भी शुरू हो गई है, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए, तो अब आपको लगता होगा अब तो चुनाव जीत गए, अब चलो सो जाओ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे ना, सो नहीं जाओगे ना, खुशी के मारे ऐसे ही हवा में रहोगे, ऐसा नहीं करोगे ना, घर घर जाओगे, एक एक मतदाता को मिलोगे, मतदाता से चुनाव की बात करोगे, हमारे उम्मीदवार को जिताने की बात करोगे, पक्का करोगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे क्या, मेरा एक काम करोगे क्या, सब लोग बताओ तो मैं बताऊं, वरना क्यों बताऊं, मेरा एक काम करोगे क्या, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे क्या, पक्का करोगे। मुझे ये मां विंध्यवासिनी के लोगों पर भरोसा है, मेरा एक काम है, घर घर जाइए, हर घर जाइए और उनको कहिए कि मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। इतना करोगे, पक्का करोगे, मैं अब आपका बहुत आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की।